मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबों को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, ये अंत का समय चल रहा है। इस बात से हम पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि अंत का समय चल रहा है, क्योंकि आज के इस समय में बहुत जगहों पर बहुत सारे लोगों को सताए जा रहे हैं, मसीह लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ये बातें पहले से ही बाइबल में बताई जा चुकी है। हम निकालते हैं यहूदा अध्याय 1 पद संख्या 19। अंत के दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्तिपूर्ण बुरी अभिलाषाओं के चलाए चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये संसारिक एवं आत्मरहित हैं। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे अंत के समय में आएंगे, बाइबल बताती है कि उस लोगों को सताएंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, उन पर अत्याचार करेंगे। और आज के समय में बहुत से जगह ये देखा जा रहा है। मेरे प्यारे मसीह भाई, हम आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। आप लोग पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए और समझिए कि क्या हो रहा है। भाई, ये घर है क्या, ये हॉल है? देखो, कोरोना काल में कोई मास्क नहीं पहना है, देख लो। ये हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का ये षड्यंत्र चल रहा है, देख लो भाई। कोई बाहर नहीं जाएगा, देख लो। क्या नाम है तुम्हारा? माइकल। क्या कर रहा है माइकल? ये कौन सा प्रार्थना चल रहा है? ये सब हिंदू है ना, सब क्रिश्चियन लोग। कौन है क्रिश्चियन? अब देखिए, पूरा एक पूछिए, नाम बताओ सबका। एक नाम तुम्हें पता नहीं है क्या चल रहा है? रमन भाई। कोरोना चल रहा है तुम्हें पता नहीं है? क्रिश्चियन। क्या नाम है भाई आपका? नाम बताओ। रमन भाई, आप हिंदू हो ना? आपका नाम बोलो। क्या नाम है? आपका नाम बोलो। सब हिंदू है। चंपक भाई, नाम कौन सा आता है? चंपक भाई का आता है क्या? तो कैसा रखा है आप लोग? कौन सा पूछो? कौन है? हिंदू 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 क्यों आया इधर? तुम्हारे चर्च में हिंदू क्यों आया? हिंदू कौन है? क्रिश्चियन है। सभी हिंदू ही है। रमन का धर्म पढ़ते हो? क्या रमन चौधरी किसमें आता है? कौन सा धर्म पढ़ते हो? तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ। अपना आधार कार्ड नहीं, कौन सा धर्म पढ़ते हो? हम क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन कब बने? आधार कार्ड तुम्हारा पूर्वज कौन था? आधार कार्ड लो। तुम्हारा पूर्वज कौन था? लो आधार कार्ड बताओ। बताओ नाम बताओ सब सबका पूर्वजों का। सब सब अपना अपना ना आधार कार्ड बाद निकालो। चलो निकालो सर। सब तू अपना आधार कार्ड निकालो। आधार कार्ड निकालो। बंद कर वीडियो। हाँ वीडियो बंद कर दे। हाँ वीडियो रख दे सब। आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को देखा कि किस तरह से प्रार्थना घर में घुस के उन लोगों को परेशान किया जा रहा है और पुलिस को बुलाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है कि धन्य हो तुम। अगर हम प्रभु के कारण अत्याचार सहते हैं तो हम लोग धन्य हैं। प्रभु हम लोगों को धन्य कहते हैं अगर हम प्रभु के कारण अत्याचार सहते हैं। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 11, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन हम लोगों को सिखाता है कि एक दूसरे से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उसके लिए तुम प्रार्थना करो। मेरे प्यारे मसीह भाई, हम लोगों को प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। अगर हमको कोई सताते हैं मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को बर्दाश्त करना है, सहना है, धैर्य रखना है, क्योंकि प्रभु आने वाला है और हम लोग प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन ना करें, बल्कि हम उनके लिए प्रार्थना करें,
अगर हम उसके साथ उस तरह के व्यवहार करेंगे तो उसमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है तो आप लोग धैर्य रखें, क्योंकि जब प्रभु आएगा तो आप लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। इसलिए आप लोग केवल धैर्य रखें और प्रभु पे भरोसा रखें और प्रभु का सुसमाचार पूरे हृदय से पूरे दिल से फैलाते रहें। प्रभु आपकी सहायता करेंगे इस काम को करने में। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम रोज़ाना प्रभु के वचनों के साथ आते रहते हैं। सबों को जय मसीह की।